रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी सुंदरता वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। रेखा अपनी पहली फिल्म 16वां सावन में जितनी खूबसूरत लगी थी उससे कई गुना ज्यादा आज लगती हैं। दुनिया भर में रेखा की खूबसूरती के मुरीद हैं और उनके साथ काम करने वाले को स्टार भी रेखा के दीवाने रहे हैं। 18 बरस की तू कौन को आई रे, कौन पूछेगा। रेखा के चाहने वालों में अक्षय कुमार से लेकर धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा और विश्वजीत जैसे बड़े बड़े कलाकार और नाम शामिल हैं। लेकिन रेखा शायद दुनिया की ऐसी एकमात्र एक्ट्रेस होंगी जिनका नाम बाप से भी जोड़ा गया और बेटे से भी। ये बाप बेटे थे सुनील दत्त और संजय दत्त। और नौबत ये आ गई थी कि नरगिस जैसी सौम्य और विवादों से दूर रहने वाली कलाकार ने रेखा को सरेआम चुड़ैल, मर्दखोर और साइकिक बता दिया था। रेखा और नरगिस के बीच छिड़ा ये पूरा विवाद क्या था? नरगिस ये कहने पर क्यों मजबूर हुई और रेखा ने क्या कभी नरगिस के इस स्टेटमेंट के खिलाफ कुछ सफाई दी थी? ये सब हम बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। इस विवाद की हर परत खोलेंगे हम, बस आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और ये पूरी पेशकश आखिरी तक जरूर देखिएगा। बला की खूबसूरत व्यक्तित्व में आकर्षण और अपने चारों ओर रहस्यों की एक चादर, उनकी आंखों के मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रेखा, इनका पूरा जीवन परिकथाओं जैसे रहा है। इस शम में परवाने हजारों। और आज भी उनका सार्वजनिक जीवन एक अनसुलझी पहेली है। रेखा की इन्हीं अनसुलझी पहेलियों में दत्त फैमिली फंस गई थी। दत्त फैमिली यानी सुनील दत्त, नरगिस दत्त और संजय दत्त। संजय दत्त ने अपने पर्सनल और फिल्मी जीवन में कई बार कांड किए, लेकिन सुनील दत्त और नरगिस तो फिल्मी दुनिया और फिल्मी दुनिया के बाहर हमेशा एक आदर्श कपल बनकर सामने आए। हम सब जानते हैं कि नरगिस और राज कपूर का अफेयर था, लेकिन जब मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान नरगिस पर सुनील दत्त जी का दिल आया तो फिर दोनों मरते दम तक एक दूसरे के होकर ही रहे। सबको यही लगता है कि शादी के बाद इनकी लव लाइफ बेदाग रही, लेकिन इसमें एक बड़ी मुश्किल आ गई थी और इसका कारण बनी थी रेखा। इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। रेखा का आकर्षण कहिए, अकेलापन कहिए या स्वभाव कहिए या कुछ और, लेकिन रेखा का नाम कई एक्टरों से जोड़ा गया और इससे इन एक्टरों की शादीशुदा लाइफ भी संकट में आ गई। ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है। रेखा और सुनील दत्त की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर हिट थी। सुनील दत्त शरीफ आदमी थे, लेकिन एक बार उनके और रेखा के अफेयर की खबरों ने खूब जोर पकड़ा। इससे नरगिस बेहद परेशान हो गई थी और उन्होंने रेखा को मर्दखोर और चुड़ैल तक कह दिया था। सुनील दत्त और रेखा ने एक साथ प्राण जाए पर वचन न जाए, अहिंसा, ये आग कब बुझेगी, जमीन आसमान, राम कसम और नागिन जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया था। इसने यहां किस मचाना, इसने किसे पहचाना। दर्शकों को सुनील दत्त के साथ रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही थी। जाहिर है शूटिंग के दौरान दोनों को काफी टाइम साथ में बिताना पड़ता था। इसी दौरान फिल्मी मैगजीनों ने रेखा और सुनील दत्त के अफेयर के बारे में छापना शुरू कर दिया। इसके चलते नरगिस की रातों की नींद उड़ गई। यह वो वक्त था जब सुनील दत्त और नरगिस के तीनों बच्चे टीनेज में पहुंच रहे थे। फिल्मी मैगजीन के मोह से वो भी अछूते नहीं थे। नहीं, अब तो
इन खबरों के कारण एक इंटरव्यू में नरगिस ने रेखा पर खूब आरोप लगाए। उनसे जब रेखा और सुनील दत्त साहब के अफेयर पर सवाल पूछा गया तो वो बोली कि रेखा दरअसल मर्दों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है। उन्होंने गुस्से में रेखा को डायन और चुड़ैल तक बता दिया। नरगिस ने कहा था कि रेखा मर्दों को ऐसा सिग्नल देती है जैसे वो आसानी से उपलब्ध है, जबकि लोगों की नज़रों में वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। इतना ही नहीं, नरगिस इतनी भड़की हुई थी कि उन्होंने रेखा की परवरिश पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैं रेखा को जान गई हूँ, पर अब मैं उनकी परेशानी को भी समझने लगी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें साइकोलॉजिकल दिक्कतें हैं। कुछ लोगों में ये समस्या होती है, वो एकदम खोई खोई रहती हैं और हकीकत में उसे एक मजबूत आदमी की ज़रूरत है। आज का ज़माना होता तो नरगिस के इतने विवादित बयान के कारण दोनों तरफ से ऐसे ही बयान आने लगते और हो सकता है कि टीवी पर डिबेट भी हो जाती। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक रेखा ने नरगिस के इस बयान पर कोई कमेंट नहीं किया। इससे ये विवाद ज़्यादा नहीं उछला। हालांकि ये ज़रूर हुआ कि इसके बाद रेखा और सुनील दत्त के अफेयर की खबरें गायब हो गई। लो अब आ गई फैसले की घड़ी। लेकिन नया बवाल 1984 में संजय दत्त और रेखा के रोमांस की खबरों से हुआ। तब नरगिस दत्त की कैंसर से मौत हो चुकी थी। संजय दत्त को फिल्मों में आए 3-4 साल हुए थे। वो उस समय नए नए फिल्म स्टारडम को एंजॉय कर रहे थे। 1984 में वो रेखा के साथ एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था जमीन आसमान। संजय दत्त उम्र में रेखा से 5 साल छोटे थे और फिल्म में रेखा के बेटे बने थे, लेकिन शूटिंग के दौरान वो रेखा के आकर्षण में गिरफ्तार हो गए। फिल्म सेट पर दोनों साथ में खूब समय बिताने लगे। दोनों को एक साथ बाहर घूमते हुए भी देखा गया। खबरें तो यहां तक आई कि संजय दत्त और रेखा ने मंदिर में चुपके से शादी भी कर ली। अब बारी सुनील दत्त के परेशान होने की थी। उन्होंने पहले तो संजय दत्त को समझाते हुए अपने करियर पर ध्यान देने की हिदायत दी, लेकिन जब उन्होंने इस शादी की खबरें सुनी तो वो अपने अनुभव से समझ गए कि संजय दत्त को समझाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने सीधे रेखा से ही बात की। बताया जाता है कि एक मीटिंग में सुनील दत्त ने रेखा से कहा कि वो इस रिश्ते को तत्काल ख़त्म करे। उनकी बात मानकर रेखा ने संजय दत्त से दूरी बना ली। इसके बाद संजय दत्त ने भी एक प्रेस नोट रिलीज कर अपने और रेखा के बीच अफेयर की खबरों का खंडन किया। लेखक यासीर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में कहा गया है कि जमीन आसमान की शूटिंग के दौरान रेखा और संजय दत्त के बीच अफेयर शुरू हो गया था। कहा तो यहां तक गया कि दोनों ने सीक्रेट शादी कर ली। हालांकि एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए संजय दत्त से फ्रेंडशिप की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही किसी और दास्तान के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।